लोगों ने कमेंट किया है कि हमारा बजट मात्र 25,000 है, इसके अंदर कोई पीसी बिल्ड कराइए जो कि फ्यूचर प्रूफ भी हो, लेटेस्ट भी हो, मिला जुला करके हमारे सारे काम हो सके। तो कौन सा पीसी बिल्ड हो सकता है 25,000 के अंदर, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। मैं गाइड करने वाला हूं कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स आप लगाएं ताकि वो कंप्लीट पीसी जो है 25,000 के अंदर अंदर ही बिल्ड हो जाए और वो आपके सारे नॉर्मल काम या फिर थोड़ा मोड़ा चेंजिंग करने के बाद जो है आप अच्छे लेवल से भी काम कर पाए और बजट भी कम हो और अपग्रेडेशन के चांसेस भी हो, लेटेस्ट भी हो। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हम लोग इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करने वाले हैं प्रोसेसर को, जिसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं 12th जनरेशन का i3, क्योंकि बजट भी हमारा कम है और 12th जनरेशन है, जनरेशन भी आपको बेहतर मिल रहा है और बजट भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो i3 के अंदर दो प्रोसेसर आपको मिलने वाले हैं, i3-12100 और दूसरा i3-12100F। ये दोनों लगभग एक ही प्रोसेसर हैं, बस जो है जो F वाला है उसके अंदर आपको विदाउट ग्राफिक कार्ड का जो है डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा। बाकी i3-12100 जो है विदाउट F, इसके अंदर जो है आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब कहने का मतलब अगर आपको नॉर्मल वर्क करना है, जैसे MS Office से रिलेटेड काम हो गया, आप एक स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, इस तरह का अगर आपका काम है, या फिर डिजिटल स्टूडियोज वगैरह हैं, आप उसमें फोटोशॉप कोरल ड्रा नॉर्मली चाहते हैं, ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, तो इन सारे कामों के लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। तो उन सारे काम के लिए आप जो प्रोसेसर सेलेक्ट करेंगे i3-12100 को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जो दूसरा F सीरीज है उसके अंदर ग्राफिक कार्ड चाहिए होगा। अगर आपका काम जो है वीडियो एडिटिंग का भी है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा सा हैवी वर्क है, तो उस कंडीशन में आपको ग्राफिक कार्ड लगाना होगा। तो ग्राफिक कार्ड अगर आप लगाते हैं तो आप F सीरीज वाला लगाइए ताकि बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके और इसके IGPU का कोई यूज नहीं होगा, तो फालतू में पैसा वहां पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वीडियो एडिटिंग में अगर आपको प्रीमियर प्रो चलाना है तो आप F सीरीज वाला लगा पाएंगे। लेकिन मैरिज वीडियो एडिटिंग करते हैं अगर आप और वहां पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको विदाउट F वाला ही प्रोसेसर लेना होगा, क्योंकि ADS के अंदर IGPU भी साथ में काम करता है तो हमारी रेंडरिंग फास्ट जो है अप्लाई हो पाती है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। वैसे इस वक्त की अगर हम बात करें तो F सीरीज हम इसलिए लेते हैं कि ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो इधर प्रोसेसर सस्ता मिल जाता है। लेकिन इस वक्त की अगर हम बात करें प्राइस की, तो जो विदाउट F है i3-12100 वो 9999 का है, और वहीं पर जो है अगर हम F सीरीज वाले की बात करें तो वहां पर 9099 रुपए का है, यानी करीब करीब 900 रुपए का फर्क पड़ रहा है। इस तरीके से अगर हम मोटी मोटा देखें तो यहां पर ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। तो चाहें तो अगर इस तरीके का अगर प्राइस रहा 1000 कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, तो आप i3-12100 ही लें विदाउट F, ताकि आप इसको मल्टीपर्पज यूज कर सकें और आगे चल करके जब आपका बजट हो तो आप ग्राफिक कार्ड लगाएंगे तो आप थोड़े से ऊपर के लेवल का भी आप काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बजट का ज्यादा इशू है और ज्यादा का अंतर है और मैरिज वीडियो एडिटिंग नहीं करना है, आप प्रीमियर प्रो पर यूट्यूब वीडियो वगैरह एडिट करना चाहते हैं, तो उस सारे कामों के लिए आप F सीरीज ले लीजिए और वहां पर ग्राफिक कार्ड लगा लीजिए। कौन सा ग्राफिक कार्ड लगाएंगे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से अपने काम के हिसाब से प्रोसेसर को सेलेक्ट करेंगे। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो सही लगे वो आप बाय कर सकते हैं। 4.3 GHz तक ये जाती है, बहुत अच्छा प्रोसेसर काम करता है ये। बाकी मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा लगाने वाले हैं, तो चूंकि हम लोग बजट मदरबोर्ड की बात करने वाले हैं तो उसके लिए आप जो है गीगाबाइट का H610M S2H ले सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा मदरबोर्ड है। DDR4 के साथ में ये आने वाला है। DDR4 का जो है दो स्टिक लगाने के लिए आपको जगह मिल जाएगा और सिंगल M.2 SSD लगाने के लिए इस पर जो है आपको स्लॉट मिल जाएगा। डायरेक्ट आप इस पर SSD लगाएंगे, इससे विंडोज फास्ट चलेगा, आपके सारे काम जो है फास्ट होने वाले हैं। PCIe 4.0 इसके साथ में मिलता है। USB 3.2 Gen 1 का इसके अंदर जो है कनेक्टिविटी दिखाई देगी आपको, और GB वाला जो है LAN पोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप जो है इंटरनेट से रिलेटेड भी कोई काम करना चाहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग का भी काम करना चाहते हैं, तो आपको अच्छी खासी स्पीड यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो मदरबोर्ड के अगर हम प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये 7,890 दिखा रहा है, लेकिन ये करीब करीब 7,000 से लेकर के 7,500 के आसपास में ये रहता है। सही बजट मिले तो आप इसको बिल्कुल भी बाय कर लें। और भी मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा कि इसके साथ में और भी कौन कौन सा मदरबोर्ड आप लगा सकते हैं, जिसका प्राइस सही हो वो आप जो है सिलेक्ट करके आप उसको लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रैम का। रैम हीट सिंक वाली लगा लीजिए, क्योंकि प्राइस बहुत अच्छे आ रहा है इस वक्त, जिसके अंदर कई सारे कुर्सर वेगेंस का भी दे देंगे आपको, टीम ग्रुप का टी फोर्स भी आप ले सकते हैं,
8 जीबी का करीब करीब 1800 से 2000 के बीच में सारे के सारे हीटसिंक वाले रहते हैं। विदाउट हीटसिंक लेंगे DDR4 का तो वही करीब 1600 रुपए के आसपास का पड़ेगा, 1700 के आसपास का पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप हीटसिंक वाला बाय कर लीजिए, 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाला बाय कीजिए, जिससे कि बेहतर स्पीड आपको मिलने वाली है। और आगे चल करके अगर गेमिंग्स वगैरह में कन्वर्ट होते हैं तो आपको कोई हीटिंग का भी इशू नहीं आने वाला है, बेहतर परफॉर्मेंस जो है ये आपको रैम करके आपको दे देगी। कई सारे रैम का मैं लिंक दे रहा हूं, उसमें से जिसका भी प्राइस सही है वो आप जो है बाय कर लें। उसके बाद आगे हम चलते हैं SSD के लिए। SSD में WD का SN570 आप बाय कर सकते हैं, 770 बाय कर सकते हैं, या फिर Crucial का P3 आप बाय कर सकते हैं। ये PCI 3.0 वाली है और ये 500 की अगर हम बात करें, कम से कम 500 जरूर लगाएं, जिसका प्राइस अभी 3200 रुपए के आसपास है। अभी SSDs की प्राइस बढ़ी हुई है, ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, जिसका प्राइस सही मिले वो आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ गई ग्राफिक। अगर आप F सीरीज लेते हैं तो ग्राफिक कार्ड में कम से कम अगर आपको प्रीमियर प्रो चलाना है तो उसके अंदर जो है एनकोडिंग का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए जो सबसे सस्ता जो ग्राफिक कार्ड है वो GDDR5 का जो है RX 550 है, 4GB के साथ में ये आएगा और इसके अंदर जो है एनकोडिंग की सुविधा मिलती है, एनकोडिंग से ही आप जो है रेंडरिंग को फास्ट कर पाते हैं। इसका प्राइस 8000 रुपए के आसपास होता है, जिसका भी बजट सही हो मैं कई सारा लिंक दे दूंगा, उसको आप जो है उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल करके दे देता है, खास करके प्रीमियर प्रो के लिए। लेकिन इससे भी ऊपर का अगर आपको बजट है, बहुत ज्यादा हैवी ग्राफिक कार्ड की हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा बजट भी कंट्रोल में ही रखना है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं करीब 11 से 12000 के आसपास में, तो आप वहां पर GTX 1650 ले सकते हैं, वो 12 से 13000 के आसपास में मिलता है। और ये जो है प्रीमियर प्रो वगैरह चलाने के लिए, हल्की फुल्की गेमिंग्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। आज भी चूंकि बजट की हम लोग बात कर रहे हैं, लोग कहेंगे कि आप कहां अटके हुए हैं 1650 पर, तो चूंकि बजट को हमें ध्यान में रखना है तो इस बजट में आने वाला एक बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। वैसे थोड़ा सा और बजट ऊपर जाएंगे तो RTX का कोई भी सीरीज ले सकते हैं, 3060 वगैरह ले सकते हैं, लेकिन नहीं, चूंकि हमें बजट में रहना है तो यही तक सही है RX 550। बजट बहुत कम है तो थोड़ा सा ऊपर उठना है तो 1650 ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। वीडियो रीडिंग में इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा निकल करके आ जाता है। उसके बाद पावर सप्लाई में थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना होगा ताकि फ्लक्चुएशन वगैरह है आपके यहाँ, तो वहां पर रिस्टार्ट होना और PC का हैंग हो जाना, कहीं पर भी स्टैंड हो जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती है ये सारा का सारा पावर सप्लाई की वजह से आता है। तो वहां पर जो है जेब्रोनिक्स का पैसा बहुत ज्यादा कम है, अगर ज्यादा ही बजट टाइट है तो जेब्रोनिक्स का 450 वाट का ब्लैक गोल्ड एक आता है मॉडल, जो कि बहुत अच्छा मॉडल है। ये करीब करीब 700-800 रुपए का मिलता है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अन्यथा मैं चाहूंगा कि आप जो है एंटी स्पोर्ट का 400 वाट का आप बाय करें, ये अपने आप में बहुत अच्छी पावर सप्लाई है, लेकिन ये करीब करीब 1100-1200 रुपए के आसपास में आती है। 400 वाट इस PC के लिए बहुत अच्छा होगा और ये जो भी ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं इन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होगा, 400 वाट बहुत होता है, आप इसको बिल्कुल भी लगा सकते हैं और आपको वाकई में मजा आ जाने वाला है। तो इस तरीके से आप इसको बाय कर सकते हैं। बाकी कैबिनेट्स का भी मैं लिंक देने की कोशिश करूंगा, जहां की आपको 1500 से लेकर के 2500 के बीच के अंदर का जो है आपको कैबिनेट्स देखने को मिलेंगे और अच्छे अच्छे कैबिनेट्स, उसमें जो भी आपको पसंद आता है वो आप जो है यूज कर सकते हैं। अब आता है बात कि ओवरऑल इसका कॉस्ट कितना बैठने वाला है, तो ये ऊपर नीचे मिला करके जो कि आप पावर सप्लाई यूज करते हैं कौन सा लेते हैं, वहां पर 200-400 रुपए कम ज्यादा का डिफरेंसेस आएगा। उसके अलावा कैबिनेट्स कौन सा लेते हैं, वहां पर 100-200-500-400 इस तरीके का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारा जो ऊपर नीचे थोड़ा मोड़ा होगा वो सारा का सारा जो है 25000 के आसपास में ही रहने वाला है। 25000 से थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा बजट ये, और उतना ही में एक लेटेस्ट 12th जनरेशन का अगर हम देखें, वैसे 13th जनरेशन 14th जनरेशन आ गया है, लेकिन फिर भी 12th जनरेशन को आज भी हम लेटेस्ट कह सकते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करता है। i3 से आप ये ना सोचे कि उसका परफॉर्मेंस नहीं होगा, i3 पर भी बहुत अच्छे लेवल से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।